गुड मॉर्निंग दोस्तों, SBI सिक्योरिटीज़ के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि ग्लोबल मार्केट्स का क्या परफॉर्मेंस रहा है और निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम आगे वाले ट्रेडिंग सेशंस में क्या उम्मीद कर सकते हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, शुरुआत हम ग्लोबल मार्केट से करते हैं। गुरुवार को तीनों बड़े US इंडाइसेस में ज़बरदस्त रैली देखने को मिली, जो कि जुलाई में उम्मीद से बेहतर रिटेल सेल्स के ग्रोथ से प्रेरित हुई। इससे इकोनॉमिक आउटलुक के लिए डर कम हुआ। नैसडैक, जो कि एक टेक हेवी इंडेक्स है, 2.3% बढ़ गया। S&P 500 1.6% बढ़ा और डाउ जो है 1.4% ऊपर बंद हुआ। फिलहाल तीनों US इंडेक्सेस अपने शॉर्ट और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। आगे देखें तो S&P 500 अपनी अपवर्ड मोमेंटम को जारी रख सकता है, जहाँ 5610 लेवल टेस्ट हो सकता है और शॉर्ट टर्म में 5660 अगला टारगेट हो सकता है। दोस्तों, ब्रेंट ऑयल के बारे में बात करते हैं। ब्रेंट ऑयल गुरुवार को 80.27 लेवल पर 1.08% की बढ़ोतरी के साथ बंद हुआ। आगे चलकर 78 और 77.8 का जोन ब्रेंट ऑयल के लिए एक इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। दोस्तों, US डॉलर इंडेक्स ने 102.27 का लो मार्क किया और उसके बाद गुरुवार को थोड़ा पुल बैक देखा, लेकिन डॉलर इंडेक्स का मेजर ट्रेंड अभी भी बेरिश है। अगर 102.2 के लेवल के नीचे कोई सस्टेनेबल मूव होता है तो इंडेक्स में और सेलिंग प्रेशर आ सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं निफ्टी के बारे में। वीकली एक्सपायरी के दिन बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 97 पॉइंट्स के नैरो रेंज में ट्रेड किया, जो पिछले 20 ट्रेडिंग सेशन से सबसे कम डेली रेंज थी। इसने एक छोटी बॉडी कैंडल बनाई है जिसमें माइनर शेडोज हैं, जो दिखाते हैं कि बुल्स और बेयर्स दोनों की तरफ से कमिटमेंट की कमी है। गैप अप ओपनिंग को देखते हुए 24,300 और 24,350 का जोन इंडेक्स के लिए इमीडिएट हर्डल का काम करेगा। अगर 24,350 के ऊपर कोई सस्टेनेबल मूव होता है तो शॉर्ट टर्म में इंडेक्स 24,500 तक की शार्प अपसाइड रैली देख सकता है। नीचे की तरफ बात करें तो 50-day EMA जोन 24,050 और 24,000 के बीच इंडेक्स के लिए एक इमीडिएट सपोर्ट होगा। अगर 24,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे कोई सस्टेनेबल मूव होता है तो इंडेक्स में और सेलिंग प्रेशर आएगा और 23,850 का लेवल टेस्ट होते हुए नज़र आ सकता है। डेरिवेटिव फ्रंट पर दोस्तों, अगस्त फ्यूचर्स फ्लैट नोट पर बंद हुए और करंट, नेक्स्ट और फास्ट सीरीज़ का क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट 3.23% से गिर गया। दोस्तों, निफ्टी इंडेक्स में से सिर्फ 7 स्टॉक्स में लॉन्ग बिल्टअप देखा गया और 14 स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग रैली हुई। वही 19 स्टॉक्स में शॉर्ट बिल्टअप और 10 स्टॉक्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग देखी गई। दोस्तों, 24,200 स्ट्राइक में एक सिग्निफिकेंट कॉल ओपन इंटरेस्ट है और उसके बाद 24,500 स्ट्राइक पर है। पुट साइड पर देखें तो 24,100 पर काफ़ी ओपन इंटरेस्ट है और उसके बाद 24,000 स्ट्राइक पर है। वीकली एक्सपायरी के लिए OIPCR 0.82 पर है, जबकि मंथली एक्सपायरी के लिए OIPCR 1.32 पर है। दोस्तों, हमने बात की निफ्टी के बारे में, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने भी बुधवार को 300 पॉइंट्स के नैरो रेंज में ट्रेड किया। ये बेरिश फ्लैग पैटर्न के लोअर ट्रेंड लाइन के पास क्लोज हुआ है। सबसे अहम बात यह है कि ये अपने 50-day EMA लेवल के नीचे क्लोज हुआ है। आगे चलकर डेली RSI बेरिश टेरिटरी में है। गैप अप ओपनिंग को देखते हुए 50,100 और 50,200 का जोन इंडेक्स के लिए इमीडिएट हर्डल होगा। अगर 50,200 के ऊपर कोई सस्टेनेबल मूव होता है तो शॉर्ट टर्म में पुलबैक रैली 50,600 तक बढ़ सकती है। नीचे की तरफ देखें तो 49,600 और 49,500 का जोन इंडेक्स के लिए एक इमीडिएट सपोर्ट होगा, क्योंकि बेरिश फ्लैग पैटर्न का लोअर ट्रेंड लाइन उस रीजन में प्लेस्ड है। अगर 49,500 के लेवल के नीचे कोई सस्टेनेबल मूव होता है तो इंडेक्स में और सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। इस केस में 49,000 और 48,900 का जोन एक अगला क्रूशियल सपोर्ट बनेगा। दोस्तों, डेरिवेटिव फ्रंट पर अगस्त फ्यूचर्स 0.19% नीचे बंद हुए और करंट, नेक्स्ट और फार सीरीज़ का क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट 4.62% से बढ़ गया। 50,000 स्ट्राइक में दोस्तों एक सिग्निफिकेंट कॉल ओपन इंटरेस्ट है और उसके बाद 50,500 स्ट्राइक पर है। पुट साइड पर 49,500 पर काफ़ी ओपन इंटरेस्ट है और उसके बाद 49,000 के स्ट्राइक पर है। दोस्तों, वीकली सीरीज़ के लिए OIPCR जो है 0.67 पर है, जबकि अगस्त मंथली सीरीज़ के लिए OIPCR 0.78 पर है। दोस्तों, बात की बैंक निफ्टी के बारे में, अब हम देखते हैं वोलेटिलिटी इंडेक्स क्या कहता है। दोस्तों, इंडिया विक्स 15.43 लेवल पर 4.4% की गिरावट के साथ बंद हुआ।
लेकिन पिछले चार ट्रेडिंग सेशन से ये 13.39 और 16.6 के लेवल के बीच ऑसिलेट कर रहा है। आगे चलकर अगर ये 16.6 और 16.8 लेवल के ऊपर सस्टेनेबल मूव करता है तो शॉर्ट टर्म में 18.6 तक की शार्प अपसाइड रैली देखने को मिल सकती है। दोस्तों, पिछले तीन ट्रेडिंग सेशन से एडवांस डिक्लाइन रेशियो ज़्यादातर डिक्लाइनर्स के फेवर में था। अब दोस्तों बात करते हैं ऐसे कुछ की सेक्टर्स की जिसमें हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। बुधवार को निफ्टी आईटी ने फ्रंटलाइन इंडेक्सेस को स्ट्रांगली आउट परफॉर्म किया और अपने 20 डे ईएमएल लेवल के ऊपर बंद हुआ। डेली आरएसआई ने बुलिश क्रॉसओवर दिया है, इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आईटी स्पेस में स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज़ देखी जाए। निफ्टी फार्मा और निफ्टी हेल्थ केयर ने वेनसडे को शार्प अपसाइड रैली के बाद प्रॉफिट बुकिंग देखी। निफ्टी मेटल, निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी रियल्टी शॉर्ट टर्म में अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। निफ्टी बैंक, निफ्टी प्राइवेट बैंक और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज डेली चार्ट पर कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन देने के वर्ज पर हैं, इसलिए हम अगले कुछ ट्रेडिंग सेशंस तक इन सेक्टर्स को अवॉइड करने का सुझाव देते हैं जब तक इन सेक्टर्स में कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल ना देखा जाए। दोस्तों, अब बात करते हैं FII/DII डेटा के बारे में। FIIs ने 2595.27 करोड़ की शेयर्स की बिकवाली की है और DIIs ने 2236.21 करोड़ की खरीदारी की है। FIIs का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए 47.24 पर है, जहां उन्होंने नेट बेसिस पर 9311 इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे। दोस्तों, स्टॉक फ्यूचर्स फ्रंट पर FIIs ने 18,682 कॉन्ट्रैक्ट्स बेचे हैं, जबकि ऑप्शंस फ्रंट पर FIIs ने 3,601 कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे और 12,691 पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स बेचे हैं। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।